selling LED panel, flooring, wallpaper, and this beautiful modular kitchen and many more things. आपको मिलने वाला है सब कुछ with the purchase. So hey everyone, welcome back to our channel, Tri-City Property Guru. मुझे तो आप जानती हैं, I'm your host, दोस्त, anchor Tarannum. तो welcome to our today's video of 3BHK independent luxury floors located in the heart of the Zirakpur on High Ground Road, connected रहेगा पटियाला चंडीगढ़ हाईवे के साथ. Of the flat, it is a complete 2.25 acres gated township. Low rise ke flats hain, S+3 ka concept rahega. Still mein aapki sari parking aa jayegi. And jo ye aapka floor hai, it is a 3+ store apartment jisme aapka 3BHK to upar rahega. And jo aapka store rahega, wo aapka still mein rehne wala hai. Per flat ko allot kiya jayega, jisko aap use kar sakte hain bahut sare tarikon se, apne drivers ke liye, apne servants ke liye, ya fir as a store room use kar sakte hain, jisme aapka washroom bhi saath mein milega aapko. So particularly agar hum exact लोकेशन की बात करें तो हाई ग्राउंड रोड पे हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड है, जो सीधा कनेक्ट करता है आपके पटियाला चंडीगढ़ हाईवे को. मेनली अगर हम बात करें तो 400 से 500 मीटर अवे रहेगा आपका हाईवे से प्रोजेक्ट. मतलब ना हाईवे कितना नजदीक है कि आपको शोर वगैरह महसूस हो या कोई भी डिस्टर्बेंस हो, और ना ही इतना दूर है कि आपको कनेक्टिविटी का कोई इशू आए. मतलब इजिली अप्रोचेबल रहने वाला है. नियर बाय प्लेसेस की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके एडजॉइंट में आ जाएंगी. मतलब आपको कुछ भी यूज करना हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट जोन्स हो, आपके स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, सबके लिए आपको इजी कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलने वाली है. तो लोकेशन की बात कर लेते हैं. आप देखिए पीछे जो एग्जैक्ट लोकेशन है, सामने वाला आपका एरिया बहुत ही शांत रहने वाला है, बहुत ही आपको रिफ्रेशिंग एयर महसूस होने वाली है. जब भी आप इस बालकनी में खड़े होंगे, या आपका फ्रंट बालकनी आ जाएगा घर का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खेत हैं सामने, बहुत सारे लाइक ओपन पूरा आपका एरिया आने वाला है. तो बहुत ही रिफ्रेशिंग रहने वाला है कभी भी आप इस बालकनी में आके खड़े होंगे. तो फाइनली अब चलते हैं अंदर एंड हमारे आज का जो 3BHK अपार्टमेंट है उसको टूर करते हैं. आइए. सो गाइज, यहाँ है हमारा आज का 3BHK इन द साइज ऑफ 146 स्क्वायर यार्ड, जिसमें एक्सेस करने के लिए आपको सेंटर में यहाँ पे लिफ्ट भी मिल जाएगी एंड स्टेयरकेस भी आपका प्रोवाइडेड है. तो दोनों तरीकों से आप अपने फ्लैट में एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ है हमारा आज का अपार्टमेंट. आइए चलते हैं अंदर. गाइज, इस फ्लैट की एंट्री में ना एक खास बात है कि आपकी जो एंट्री है ना फ्लैट की, वहां से ना आपका ड्राइंग डाइनिंग दिखने वाला है, ना ही आपका किचन दिखेगा, ना ही आपका कोई बेडरूम दिखने वाला है. तो प्राइवेसी के लिए एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है, क्योंकि आपकी एंट्री के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉयर एरिया मिल जाता है. तो सिक्योरिटी के लिए एक अच्छी चीज आ गई है. देन आपको स्पेस मिल जाता है, अपना शू रैक वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी चेस्टर वगैरह लगा के अपने फॉयर एरिया को डेकोरेट यहाँ पे आप कर सकते हैं. देन कमिंग फॉरवर्ड, यहाँ भी आ जाएगा आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस. पूरा देख सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पेशियस एरिया है, जैसे आप देख सकते हैं. स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो आप पीछे ये वॉलपेपर देख रहे हैं, आपको पूरे घर में वॉलपेपर मिल जाएंगे. आप ये आपको पसंद नहीं है तो आप दूसरा ले सकते हैं, मतलब अपनी ऑप्शंस के आप लगा सकते हैं अपने घर में. ऊपर बात करूंगी, फॉल सीलिंग आपका एज इट इज रहने वाला है विद दिस लाइट्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं. सामने आ जाएगा आपका LED पैनल, ये पूरा पैनल वर्क आपका एज इट इज मिलने वाला है आपके फ्लैट में जब भी आप यहाँ पे अपार्टमेंट परचेज करेंगे. फ्लोरिंग आपकी सारी आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा टाइल वर्क आ जाएगा, ये भी आपका सारा एज इट इज रहने वाला है. तो ये तो था हमारा ड्रॉइंग एंड डाइनिंग वाला एरिया. सामने आ जाएगा आपका किचन. सो गाइज, यहाँ से थी हमारी एंट्री. सामने आपका ड्राइंग डाइनिंग रहेगा एंड ये आपका पूरा किचन का सेक्शन आ जाएगा. सबसे पहले आप किचन का साइज देखिए, कितना बड़ा किचन है गाइज. मतलब आपको बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे कुकिंग करने में, क्योंकि इतना ओपन स्पेस आने वाला है. एंड अगर इन केस आपको ओपन किचन पसंद नहीं है कि आपका जो ड्राइंग डाइनिंग है वो आपका सेपरेट रहे एंड किचन आपको बिल्कुल सेपरेट चाहिए, तो आप यहाँ पे पार्टीशन कर सकते हैं एंड अपने जो किचन एरिया है उसको सेपरेट कर सकते हैं. ये आपका सारा एज इट इज रहेगा. इवन दिस ब्रेकफास्ट काउंटर, ये चेयर्स आप देख रहे हैं, ये सारा आपका एज इट इज रहने वाला है विद द परचेज, आपको ऐसे ही मिलेगा. देन यहाँ पे आपका ड्यूल सिंक आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ योर विंडो. यहाँ पे आपका विंडो है, एक तो लाइट वेंटिलेशन अच्छा आता रहेगा आपके किचन में, दूसरा कभी भी आपके डोर पे कोई आता है, कोई
कोई भी रिंग करता है, नॉक करता है, आप देख सकते हैं यहाँ से कौन है। सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी चीज आ जाती है, तभी जाके आप दरवाजा खोलिए जब आपको पता है आपका कोई नोन है। उसके बाद कमिंग टू दिस साइड, ये सारा आपका ब्रेकफास्ट काउंटर रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आपका क्वार्ट्ज का यूज किया गया है, जो आपका रस्ट फ्री स्टेन फ्री होता है। ऊपर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे आपका चिमनी का स्पेस आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना चिमनी लगा सकते हैं, ठीक इसके नीचे आप अपना हॉब प्लेस कर सकते हैं। अपर कैबिनेट्स बहुत सारे मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, लोअर कैबिनेट्स भी आपको मल्टीपल मिल जाएंगे, साइजेस भी आपको सारे डिफरेंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपके अपर कैबिनेट विद हाइड्रोलिक ओपनर आ जाएंगे, इस साइड अगेन विद हाइड्रोलिक ओपनर, यहाँ पे आ जाएगा स्पेस आपके अप्लायंसेस के लिए, या फिर अपना सामान भी स्टोर कर सकते हैं आप यहाँ पे, पेंट्री वगैरह जो आपका होता है। देन नीचे की अगर मैं बात करूँ तो आपके लोअर कैबिनेट्स आपके सॉफ्ट क्लोजर के साथ आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट साइजेस में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये थोड़ा छोटा है, देन ये थोड़ा बड़ा आ जाएगा, ये उससे बड़ा आ जाएगा। देन यहाँ पे आपके जो कैबिनेट्स हैं वो कुछ अलग तरीके के आ जाएंगे, आप इनको ओपन भी कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के आपको कैबिनेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये था हमारा किचन, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस सा। इवन यहाँ पे भी आपका कंप्लीट फॉल सीलिंग रहने वाला है, जिसमें आप छोटी छोटी लाइटिंग भी देख सकते हो, तो ये चीज़ भी आपकी अच्छी यहाँ पे रहने वाली है। सो गाइज, अब हमने अपना आउटर पार्ट चेकआउट कर लिया है, ड्रॉइंग एरिया मैंने आपको दिखा दिया था, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपको मिल रहा है। आपने पूरा किचन देख लिया, जो आपको विद ब्रेकफास्ट काउंटर मिलने वाला है, फॉल सीलिंग आपकी सारी एज इट इज़ रहेगी, फ्लोरिंग आपकी सारी एज इट इज रहने वाली है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइल वर्क आपका पूरा मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम हमारे रूम्स की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट बेडरूम, आइए। सो गाइज, यू कैन यूज दिस बेडरूम एज योर गेस्ट बेडरूम, क्योंकि बाकी जो दो रूम्स आ जाएंगे आपके, उनके मुकाबले इसका साइज थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बेड आपका बिल्कुल पर्टिकुलरली इंस्टॉल्ड है, सेंटर में साइड टेबल्स रखे हुए हैं। देन उसके बाद भी मेरे पास इतना स्पेस बच जाता है कि यहाँ पे जो मेरे कवर्ड्स हैं उनको मैं इजिली ओपन कर सकती हूँ, विद स्लाइडिंग डोर रहने वाले हैं। नीचे भी स्पेस आ जाएगा, आपके फुटवेयर्स वगैरह आप नीचे रख सकते हो, एंड देन ये कवर्ड का साइज भी काफी बड़ा है, तो आपका सारा स्टफ इजिली यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे रहने वाली है बालकनी, वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई थी, आपके घर की फ्रंट बालकनी आ जाएगी। सो अभी तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आपका कोई भी विंडो कोई डोर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको टफन ग्लास का डोर मिल जाएगा पूरा प्रॉपर, जब भी आप घर परचेज करेंगे। एक्चुअली ये सैंपल अभी रेडी हो ही रहा है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको मिसिंग मिलेंगी, पर मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी क्या चीज़ कहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर आपका विद टफन ग्लास पूरा डोर आ जाएगा, ये बालकनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। देन इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम, यहाँ पे आपकी सीट आ जाएगी, देन यहाँ पे रहेगा आपका वॉश बेसिन विद मिरर रहने वाला है, एंड योर बाथिंग सेक्शन जहाँ पे आपके टैप्स वगैरह प्रोवाइडेड रहेंगे। पूरी वॉल लेंथ पे आपका टाइलिंग आ जाएगा, ग्रे कलर का टाइलिंग यूज किया है यहाँ पे इन्होंने। फ्लोरिंग आपकी सारी एंटीस्किट रहने वाली है। सो गाइज, ये था आपका वॉशरूम। देन इस साइड अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका LED पैनल आ जाएगा, जो आपका एज इट इज रहेगा, विद द परचेज मिलेगा आपको। AC की डक्टिंग आ जाएगी यहाँ पे आपकी। बेड के पीछे का जो वॉलपेपर आप देख रहे हैं या एज इट इज आपका रहने वाला है, आप चाहेंगे तो उसको चेंज भी करवा सकते हैं, अगर आपका जो कलर थीम है वो कुछ और है उसके साथ मैच करके आप इसको चेंज भी करवा सकते हैं। फॉल सीलिंग ऊपर पूरी एज इट इज रहने वाली है, फैन आपका एज इट इज रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, जिसको आप एज अ गेस्ट बेडरूम यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद उस साइड रहने वाला है हमारे बाकी दो रूम्स। सो ये आ जाएगा आपका सेकेंड बेडरूम, एंड ये रहेगा आपका मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले हम सेकेंड बेडरूम में चलते हैं, आइए। सो काफी बड़ा रूम है, आप देख सकते हैं बेड भी आपका काफी बड़ा लगा हुआ है यहाँ पे। नॉर्मल जो बेड का साइज होता है उससे बड़ा बेड आ जाएगा, 6x6 का बेड आ रहा है आपका। पीछे वॉलपेपर आप देख रहे हैं एज इट इज मिलने वाला है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एज इट इज रहेगा। अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं चेंज भी करवा सकते हैं आप, और कोई ऑप्शन भी ले सकते हैं। ऊपर आपका फैंसी लाइट आप देख सकते हैं, ऊपर पूरा फॉल सीलिंग विद दिस फैन आपका एज इट इज रहने वाला है। यहाँ आ जाएगा आपका वॉशरूम इसका, आइए। इस साइड सीट रहेगी, इस साइड आपका वॉश बेसिन आ जाएगा विद मिरर, एंड ये पूरा आपका बाथिंग सेक्शन रहेगा। तो
काफी अच्छा लेआउट है, अगर आप पार्टीशन वगैरह इसका करना चाहें काफी अच्छे तरीके से आप इसका कर सकते हैं। पूरा वॉल लेंथ की अगर मैं बात करूंगी तो आपका टाइलिंग आ जाएगा, ग्लॉसी टाइल्स यूज करी गई हैं आपकी। फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन विंडो भी प्रोवाइडेड रहेगा, एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। एंड फ्लोरिंग की बात करूंगी तो ये सारी आपकी एंटिस्किट आ जाएगी। देन यहाँ पे रूम में आपके पास विंडो आ जाएगा जो ओपन होता है आपके बैकयार्ड में, जिसकी एक्सेस आपको मिल जाती है मास्टर बेडरूम से, तो वो मैं आपको वहां से दिखाऊंगी। देन ये आ जाएगा आपका एलईडी पैनल, एज इट इज रहने वाला है, जैसे आप देख रहे हैं वैसा आपको एज इट इज प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको अपना एलईडी लाना है, यहाँ पे लगाना है, वहां पे सो के आपको मस्त एंटरटेनमेंट का मजा लेना है। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ आ जाएगा आपका पूरा कवर्ड सेक्शन। आप देखिए पूरी वॉल पे आपको कवर्ड मिल रहा है एक्सेप्ट फ्रॉम योर डोर स्पेस, आप देख सकते हैं बीच में आपका दरवाजा भी है। तो यहाँ पे आपका काफी अच्छे लेआउट के साथ कवर्ड आ जाएगा, बीच में भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस है, मतलब स्पेस ही स्पेस है, जहां मर्जी अपना सामान स्टोर करना चाहो कर सकते हो इजीली। इस साइड भी आपका डिफरेंट स्टोरेज आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे रहेगा आपका ड्रेसिंग टेबल जो बीच में, यहाँ पे आप मिरर भी देख सकते हैं। एंड देन नीचे स्टोरेज के लिए स्पेस भी, अपना मेकअप वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। सो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। अब इसके बाद हम चेकआउट करेंगे हमारा थर्ड बेडरूम, विच इज योर मास्टर बेडरूम। आइए गाइस, फर्स्टली लुक एट द साइज, मतलब रूम में कबर्ड्स हैं, एलईडी पैनल है, बेड है, मतलब उसके बाद भी मेरे पास इतना ज़्यादा स्पेस बच रहा है मूव करने के लिए। अगर मैं इस साइड की बात करूँगी तो बेड रखने के बाद भी आपके पास इतना स्पेस है कि इजीली आप अपने वॉशरूम में जा सकते हैं। अगेन वॉशरूम भी आपका काफी ज्यादा स्पेशियस रहने वाला है, यहाँ पे आपका सीट आ जाएगा। देन ये पूरा आपका बाथिंग सेक्शन है, इस साइड आपका वॉश बेसिन रहेगा विद मिरर। टाइलिंग की बात करूंगी तो इस साइड आपका डिफरेंट टाइलिंग रहेगा, इस साइड आपका व्हाइट ग्रे टाइलिंग आ जाएगा, तो दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। नीचे जो फ्लोरिंग रहेगा वो आपका सारा एंटिस्किट रहने वाला है। एंड यहाँ पे फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन आपका विंडो भी प्रोवाइडेड रहेगा। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे सामने आपका एलईडी पैनल है, आप देख सकते हैं ये लगाने के बाद भी मेरे पास काफी स्पेस है यहाँ पे मूव करने के लिए, आप यहाँ पे अपना एलईडी लगा सकते हैं इजीली लाके। एंड देन कमिंग टू दिस साइड, इस साइड आपका इतना स्पेस बच जाता है कि आप अपने जो कबर्ड्स हैं उनको इजीली ओपन कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस है, दो कबर्ड्स मिल रहे हैं सेम साइज के, सेम लेआउट रहेगा जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे बीच में आपका कैबिनेट भी रहेगा, एक नीचे भी इसमें स्पेस है कि अपने फुटवेयर्स वगैरह आप नीचे सेपरेटली रख सकते हैं। एंड देन ऊपर भी स्पेस है, तब काफी सारा स्पेस आपको मिल रहा है। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्रेसिंग टेबल विद दिस मिरर, ये सारा आपका एज इट इज रहेगा। नीचे यहाँ पे कैबिनेट भी मिल रहा है टू स्टोर योर मेकअप एंड ऑल, तो यहाँ पे सारी चीजें आप रख सकते हैं। सो ये था हमारा रूम, फॉल सीलिंग सारी एज इट इज रहने वाली है, एसी की डक्टिंग आपकी वहां रहेगी। एंड पीछे अगेन मैं बोलूंगी कि वैसे तो ये वॉलपेपर बहुत ज्यादा सुंदर है, बट अगर आप इसको चेंज करवाना चाहें आप करवा सकते हैं, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगी हमारे बैकयार्ड में, जिसका एक्सेस अगेन आपको यहीं से मिलेगा आपके मास्टर बेडरूम से ही। सो ये आ जाएगा आपका बैकयार्ड स्पेस, काफी स्पेशियस है, अपना वॉशिंग वगैरह का जितना भी एक्टिविटी होता है इजीली आप यहाँ पे कर सकते हो, टैप्स प्रोवाइडेड हैं, एरिया भी काफी बड़ा है, वॉशिंग मशीन अपनी लगा सकते हो यहाँ पे, एंड दोनों वॉशरूम के गीजर भी बाहर लगा सकते हो अगर चाहते हो, आपका एसी का फैन यहाँ पे आ जाएंगे। एंड दूसरी एक अच्छी बात की ये जो आपका एरिया है ना, ये आपका पूरा ओपन रहने वाला है ऊपर तक, तो वेंटिलेशन वगैरह आपको अच्छा प्रॉपरली आता रहेगा, लाइटिंग वगैरह जो सनलाइट होता है आपका इजिली आता रहेगा। फ्लोरिंग की बात करूंगी तो यहाँ पे भी आपका सारा टाइल वर्क आ जाएगा, एंटिस्किट टाइल्स रहेंगी सेम जो आपके वॉशरूम में यूज करी गई। सो गाइस ये था हमारा बैकयार्ड एसी के साथ, मैं आपको थर्ड बेडरूम दिखा चुकी हूँ। एंड इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा पूरे घर का टूर, विच इज योर 3 BHK, जिसमें आपको 3 bedrooms मिल जाएंगे, आपका ड्रॉइंग डाइनिंग रहेगा, एंड यहाँ पे रहेगा आपका फुली मॉड्यूलर किचन
जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपको वो ब्रेकफास्ट काउंटर मिल रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफी अच्छा लेआउट है घर का। रूम्स के साइज की भी बात करूंगी तो आपका रूम के साइज भी सफिशियंट है, मतलब जितना एक नॉर्मल रूम का साइज होता है। आपका मास्टर बेडरूम थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा उससे भी। फॉल सीलिंग आपको सारी एज इट इज मिलने वाली है, मतलब ओवरऑल आपका जो घर है वो आपको पूरा फिनिश्ड मिलने वाला है, जिसमें आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो करवानी नहीं पड़ेंगी, लाइक योर वॉलपेपर्स, योर फॉल सीलिंग, फ्लोरिंग, सारी आपको एज इट इज मिलने वाली है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। बस आपको अपना फर्नीचर ऐड करना है लाके, एंड देन योर घर इज ऑल सेट। आपको बस रहना है उसमें एंड मजे करने हैं। तो आपको ये घर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोकेशन की बात करूंगी तो लोकेशन भी काफी अच्छी है आपकी, पटियाला चंडीगढ़ हाईवे पे है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ना ही हाईवे के ज्यादा नजदीक है कि आपको शोर वगैरह महसूस हो या फिर कोई भी क्राउडेड आपको स्पेस लगे, एंड ना ही इतना दूर है कि आपको कनेक्टिविटी का कोई भी इशू आए। तो काफी अच्छी डील है अगर आप भी एक 3BHK सर्च कर रहे हैं जिसमें आपको स्टोर भी मिल रहा है, तो काफी अच्छी डील आपके लिए हो सकती है। इसको आप जरूर एक बार चेक करिएगा। विजिट करना चाहते हैं आप, अगर इसकी कोई भी क्वेरी करनी है आपको और डिटेल्स चाहिए, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी डील के साथ, किसी और सुंदर से घर के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।